हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 10, क्रिया और काल के। आज हम उसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ओके, आओ कुछ करें। का नंबर दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो क्रिया किसे कहते हैं, डू यू नो, किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ओके, उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं, मोर नाच रहा है, वह किताब पढ़ रही है। ओके, और आपको यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, आप आपकी बुक में दिया है, आप टिक कर लीजिए। दिया ये क्रिया किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है, जैसे मोर नाच रहा है, सचिन किताब पढ़ रहा है, या फिर आप अपने से भी एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हैं। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काल किसे कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं, हम क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, आप ये भी लिख सकते हैं, वही वाली जो मैंने आपको बताया अभी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, जैसे नीरज पढ़ रहा है, नीरज ने पढ़ा था, नीरज पढ़ेगा ना, ये इससे हमें समय की जानकारी हो रही। रहा है मतलब ये वर्तमान काल, था मतलब ये भूतकाल, और ये पढ़ेगा मीन्स भविष्य काल के लिए हमें समय का पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो काल के कितने भेद होते हैं, हमने पढ़ा है काल के तीन भेद होते हैं। ओके, ये लिखा है आपको, देखिए काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्यत काल। ओके, तो आप पहले लिखेंगे आंसर में, काल के तीन भेद होते हैं, और फिर नीचे उनके नाम लिखिएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान में सही क्रियापद भरो। ओके, नाउ फर्स्ट शेर ब्लैंक्स है। अब यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिए हुए, भौंकता है या दहाड़ता है ना, तो शेर क्या करता है, दहाड़ता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर, गाय दूध देता है या देती है। तो राइट आंसर यस, देती है, गाय दूध देती है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, मछली तैरती है या उड़ती है। तो मछली क्या करती है, पानी में तैरती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मछली तैरती है। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, सांप खालिस्थान है, दौड़ता है या रेंगता है। तो सांप क्या होता है, दौड़ता है या रेंगता है, बताइए। यस, रेंगता है, सांप रेंगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर, मोर खालिस्थान है, नाचता या नाचती, मोर नाचता है या नाचती है। तो मोर नाचता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर नाचता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यों में से क्रियापद छांटो, मतलब इसमें जो भी क्रिया है, इस वाक्य में जो भी क्रिया शब्द है उसे हम, उन्हें हमें अलग करके यहाँ पर क्रियापद लिखना है। देखिए वाक्य है पहला, सोहन खेल रहा है ना, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा, खेल रहा है, खेल रहा है ना, ये क्या है, क्रियापद है। नेक्स्ट है, अनुपमा पत्र लिख रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिख रही है, लिख रही है, वो क्या है, क्रियापद है। ओके, क्रिया है। माँ भोजन बनाती है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बनाती है, ये क्रियापद है। नेक्स्ट है, रोहन रोता है, रोहन रोता है, तो क्रिया क्या है, रोना, तो ये रोता है। नेक्स्ट है, राजा आम खाता है, तो इसमें क्रिया क्या है, खाता है, खाता
है। ओके, ये हो गई वाक्यों में से हमने क्रियापद को अलग किया। क्रियापद को हमने क्यों अलग किया, ताकि हमें पता चले कि उसमें क्रिया कौन सी है ना। जैसे खेल रहा है, सोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये क्रिया है ना। क्रिया से हमें पता चल रहा है कि लड़का क्या कर रहा है। नेक्स्ट है अनुपमा पत्र लिख रही है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, अनुपमा क्या कर रही है, तो वह लिख रही है ना। फिर नेक्स्ट है माँ भोजन पकाती है, माँ क्या कर रही है, तो माँ भोजन बनाती है। ओके, नेक्स्ट है रोहन रोता है, तो रोहन क्या कर रहा है, रोहन रो रहा है। राजा आम खाता है, तो राजा क्या कर रहा है, आम खा रहा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, क्वेश्चन आंसर, राइट क्वेश्चन आंसर इन योर पेयर नोटबुक एंड फिल योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।